फिलहाल मैं पूरी तरीके से गीला हो चुका हूँ और मैं आया हूँ बाहर शूट करने के लिए, बस ये दिखाने के लिए कि कैसा लग रहा है सारी चीज़ें और कैसा शूट हो सकता है और कैसा ऑडियो आने वाला है। आपको ऑडियो का भी अंदाज़ा मिल गया होगा कि ऑडियो कैसे आ रहा है इसमें। अभी मैं अंदर जाके भी शूट करके दिखाऊंगा कि ऑडियो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। लेकिन बाहर शूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप व्लॉगिंग करने वाले हो और व्लॉगर्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडियो उनका बहुत अच्छा है। तो ये सेटअप के साथ ऑडियो बाहर कैसे आएगा, इसी वजह से मैं आया हूँ बाहर शूट करने के लिए। अभी मैंने बहुत ज़्यादा रीटेक भी ले लिया है बस इसलिए क्योंकि बारिश हो रही है। जब मैंने पहली बार इसको देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई इसका क्या यूज़ हो सकता है या फिर इसको ऐसा डिज़ाइन क्यों दिया गया होगा। तब मेरे फ्रेंड ने बताया कि भाई इसको कुछ मल्टीपल यूज में ले सकते हैं, जैसे कि यहां पे टैबलेट लगा सकते हैं और यहां पर मोबाइल लगा सकते हैं। और इसको सुनते ही, इसको देखते ही मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा व्लॉगिंग सेटअप तैयार किया जाए जो फ्लिप कैमरा की तरह काम करे, उसकी ऑडियो क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच हो। तो टारगेट यह था कि हमें एक प्रो व्लॉगिंग सेटअप बनाना था लो बजट में, जिसका ऑडियो क्वालिटी भी एकदम मस्त है और एक फ्लिप कैमरा की तरह वो काम भी करे। तो इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं इसी एपिसोड में मैं बताऊंगा। और जो आउटपुट आया वो स्टार्टिंग में आपने सुना, अगर उसका ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छा लगा और वीडियो सही लगा तो वीडियो को कंटिन्यू करना एंड तक, क्योंकि इसमें आपको ढेर सारा ज्ञान मिलेगा देखने के लिए और सीखने के लिए। और स्टार्टिंग में मैंने कलर ग्रेड इसलिए किया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि अपने मोबाइल से भी आप ऐसा शूट करके एकदम प्रोफेशनली कलर ग्रेड करके एक टॉप लेवल का व्लॉगिंग कर सकते हो और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपका बजट लो है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो चालू हो उसके पहले मैंने कुछ गलतियां की हैं, जैसे कि मैं अपने चैनल पर बहुत ज्यादा इनएक्टिव था, उसकी वजह से हमारी रीच जो है एकदम कम हो चुकी है। मैं बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं डालता था, मैं बहुत ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ में बिजी था। तो मुझे इस चीज को सुधारने में आप सबकी हेल्प चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करो। मेरे जितने वीडियोस देखते हो अगर आपको पसंद आता तो प्लीज डू लाइक और शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन के साथ की चमका देना, क्योंकि हम लोग ज्ञान बांटते रहते हैं। तो जो फ्लिप कैमराज होता है वो कैसे काम करता है ये तो आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, उसके जो कैमरा का स्क्रीन होता है वो फ्लिप हो जाता है। सो यहाँ पर हमें भी कुछ ऐसा चाहिए था जिससे कैमरा फ्लिप हो और हम अपने आप को देख सके शूट करते टाइम। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि हमारा जो फ्रंट कैमरा होता है व्लॉगिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता और फ्रंट कैमरे की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं आती कि हम एडिटिंग में या कलर ग्रेडिंग में उसको अच्छा कर सके या बहुत अच्छा आउटपुट दे सके। और जब भी हम बैक कैमरा से शूट करते हैं तो हम अपने आप को देख नहीं सकते, कभी कभी ब्लर वाला चीज़ हो जाता है, कभी कभी हम बीच में नहीं होते, सेंटर में नहीं होते, एकदम बहुत से गड़बड़ हो जाते हैं व्लॉगिंग करते टाइम। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन यही था कि हम एक ऐसा स्क्रीन तैयार करें जो फ्लिप कैमरा की तरह काम करे और हम अपने आप को उसमें देख सके जबकि हमारा बैक कैमरा ही चालू हो। तो ये चीज करने के लिए आपको एक सेकेंडरी स्क्रीन लगेगा, जो कि आप कोई भी पुराना एंड्रॉइड फोन ले सकते हो अपने घर पे पड़ा हुआ, या फिर आपके पास कोई भी पुराना आईफोन पड़ा हो, कोई भी लिटरली कोई भी फोन पड़ा हो जो आप यूज कर सकते हो उसको ले सकते हो आप एज अ सेकेंडरी स्क्रीन। सेकेंडरी स्क्रीन लेने के बाद आपको आना है ऐप स्टोर में या फिर प्ले स्टोर में और एक ऐप डाउनलोड करना है ए पावर मिरर नाम से। सिंपली एक डिवाइस के हॉटस्पॉट को ऑन कर दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर दो और फिर क्यूआर कोड से स्कैन करके एक दूसरे को लिंक कर दो। डिटेल में इंस्ट्रक्शन आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएगा। कनेक्ट होने के बाद अब जो भी मैं मेन मोबाइल में अपने करूंगा वो दूसरे स्क्रीन में एज अ स्प्लिट स्क्रीन दिखेगा। आई मीन अगर मैं यहाँ पे आप शूट करता हूँ तो यहाँ पे ये चीज दिखेगा और ये चीज बिल्कुल भी डिले करके नहीं दिखेगी। लाइक ऐसे बहुत से ऐप आते हैं जो स्क्रीन मिरर तो कर देते हैं लेकिन थोड़ा सा डिले रहता है उसमें। आई मीन यहाँ पे आप कोई एक्शन ले रहे हो तो उसका रिएक्शन थोड़े टाइम बाद आएगा वहाँ पे, तो ये चीज नहीं होती इस ऐप में। इस ऐप का बहुत अच्छा फीचर है ये कि बहुत ही स्मूथ जाता है चीजें। तो इसके बाद मुझे सिंपली मोबाइल कुछ ऐसा लगाना था, इस तरीके से लगाना था और मेरा फ्लिप स्क्रीन ऑलमोस्ट रेडी हो जाता। पर बात ये थी कि ये जो मैंने लिया था अपने फ्रेंड से उसका ये वाला पार्ट जो है वो इस तरफ है, तो यहाँ पे हम टैबलेट लगा सकते हैं और यहाँ पर हम मोबाइल लगा सकते हैं। तो अगर आपका सेकंड डिवाइस जो है वो टैबलेट होने वाला है तब तो आप बहुत इजीली इसको चालू कर सकते हो और आपका काम ऑलरेडी बन गया। आप सिंपली यहाँ पे टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हो, ऑडियो वाले पार्ट पे जा सकते हो और इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टैबलेट नहीं है तो इस चीज को आप कैसे कर सकते हो ये मैं बताऊंगा अब एक घरेलू जुगाड़ लगा के। तो इसके लिए सिंपली आपको किचन में जाना है अपने, और जो मम्मियाँ यूज़ करती है ये, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं लेकिन इसको पकड़ने वाला मैं बोलूँगा, ये पकड़ को ले लेना। पकड़ को लेने के बाद से आपको सिंपली इस चीज़ को फ्लिप कर देना है। इसके मटेरियल को देखा मैंने, ये फोल्डेबल मटेरियल, इसको आप फोल्ड कर सकते हो ऐसा कुछ, और इस चीज़ को मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया। और अब यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट डिवाइस लग सकता है और यहाँ पे मेरा सेकंड डिवाइस लग सकता है, ये दोनों आसपास आ चुके हैं। और मैं एक डिवाइस को कुछ ऐसा लगाऊंगा और एक डिवाइस को ऐसा लगाऊंगा और मेरा काम बन गया यहाँ पर। अब मैं अपने आप को शूट करते हुए यहाँ पे देख सकता हूँ और चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद से आता है पार्ट ऑडियो का। अब जितना इंपॉर्टेंट वीडियो होता है उतना ही इंपॉर्टेंट ऑडियो होता है। अब ऑडियो की बात करो तो आपको आउटपुट ऑलरेडी आपने स्टार्टिंग में सुन लिया, लेकिन मेरा टास्क ये था कि कम से कम बजट में मैं कैसे एक ऑडियो डिवाइस बनाऊँ जो व्लॉगिंग के लिए परफेक्टली काम करे। तो सिंपली मैंने एक ईयरफोन लिया और ईयरफोन को मैंने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मुझे
ये पता चलता है कि अगर मैं कुछ ऐसे रख के ऑडियो को शूट करता हूँ तो मेरा ऑडियो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आ रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है। तो अभी वाला आप जो साउंड सुन रहे हो बिना किसी एक्सपेरिमेंट के साउंड सुन रहे हो, ये एकदम क्लीन वॉइस है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, ये डायरेक्ट माइक्रोफोन का वॉइस है जो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है। और अब जो वॉइस सुन रहे हो आप, वो मैंने ऐसा कुछ किया, अपने हाथ को ऐसा शील्ड जैसा यूज़ किया है और ऐसा कुछ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये कैसा ऑडियो आ रहा है, क्या आ रहा है, आप ऑन स्क्रीन सुन सकते हो आप। तो इसके लिए मैंने इस चीज़ को ढूंढा जो कि मेरे घर पे ही मुझे मिल गया, आप ये हार्डवेयर की दुकान से भी ले सकते हो, आप इसको क्या बोलते मुझे नहीं पता। सिंपली मैंने इसको लिया और यहाँ पर मैंने एक होल कर दिया। होल करने के बाद से मैंने अपने ईयरफोन को अंदर डाला और उसके बाद से यहाँ से वायर निकाला और उसको अंदर ही फेविक्विक से चिपका दिया। आई मीन वो एकदम परफेक्ट जगह पर बैठा रहे। उसके बाद से मैंने सिंपली एक कॉटन का क्लोथ लिया और ऊपर से इसको चिपका दिया ऐसा ताकि हवा भी ना जाए। आई मीन बहुत ज्यादा गरीबी वाले काम मैंने कर दिए अब तक। इसके बाद आपको ये सही जगह पे लगाना था जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। उसके बाद से वायर को फोल्ड करके सिंपली मैंने वीडियो के साथ सेटअप कर दिया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद आपको ऑडियो का आउटपुट तो मिल ही गया। फिलहाल मैं पूरी तरीके से गीला हो चुका हूँ और मैं आया हूँ बाहर शूट करने के लिए, बस ये दिखाने के लिए कैसा लग रहा है सारी चीज़ें और कैसा शूट हो सकता है और कैसा ऑडियो आने वाला है। अगर कलर्स की बात कर लो, आपको पसंद आया हो ये कलर्स जो मैंने यूज़ किया अपने व्लॉगिंग में, तो उसके लिए आपको सिंपली जाना है इंस्टाग्राम पे, इस बंदे को फॉलो कर लेना है neelv007। फॉलो करने के बाद से आपको बायो में एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पे जा सकते हो और अपने लट्स को डाउनलोड कर सकते हो। लट्स को अप्लाई करने के लिए सिंपली आप ये वीडियो देख सकते हो मेरा, इसमें मैंने बताया VN वीडियो एडिटर में जाकर लट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल पर ही। और अगर आप प्रीमियर प्रो यूजर है तो आपको कोई इशू ही नहीं आएगा। अब अगर मैं बात कर लूँ आपके सेटअप की, कि आप व्लॉगिंग सेटअप ऐसा कुछ करना चाहते हो लेकिन आप कैसे कर सकते हो, इस चीज को कहां से खरीद सकते हो, तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सिंपली जाके बाय कर सकते हो, बाय कर लेना। उसके बाद सेटअप करना तो मुझे जरूर बताना कि आपने कैसा सेटअप किया और कैसा दिख रहा है और कैसा आउटपुट आ रहा है, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। फॉलो कर लेना मुझे neelv007 पे और वहां पे DM कर सकते हो या फिर टैग कर सकते हो, मुझे जरूर बताना, मुझे खुशी होगी ये देख के। और इसी के साथ एपिसोड को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग ज्ञान बांटते हैं और ऐसे एपिसोड में लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय।